अयोध्या पर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर राजस्थान पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने एक हाई लेवल की सुरक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किया कि वे संवेदनशील इलाकों की पहचान करें, ज़्यादा भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को खास तौर पर अब चाक चौबंद कर दिया जाए, क्योंकि इस फैसले की आड़ में कई लोग कुछ किसी तरह की कोई गड़बड़ न कर दे। खास तौर पर सोशल मीडिया पर निगाह रखने की भी उन्होंने पुलिस विभाग और दूसरे खुफिया विभाग के अधिकारियों को खास तौर पर निर्देश जारी किए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की यदि मैं बात करूं तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि यहां पर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी इस फैसले की आड़ में। ऐसे में जो भी संवेदनशील जगह है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया जाएगा। यही कारण है कि अब इस तरह के बैरिकेड्स के साथ पुलिस के जो जवान हर जगह तैनात दिखाई देंगे। आपको पूरे खास तौर पर एक ट्रेनिंग भी दी जा रही है और इन ट्रेनिंग के जरिए यह बताने की कोशिश की जा रही है कि यदि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना हो तो किस तरह उस पूरी वारदात से निपटा जा सके। वहाँ पर रिजर्व पुलिस लाइन है और उसके अंदर वहाँ पर काफ़ी आज स्पेशल ट्रेनिंग रखी गई है। इसके बाद जिलों में इन लोगों को भेजा जाएगा और जिलों में भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाएगा। कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है, उन्हें खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कलेक्टर और एसपी लेवल के अधिकारियों को, और सभी रेंज के आईजी को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने संभाग में जाकर सुरक्षा व्यवस्था का पूरी तरह मॉनिटरिंग करें, क्योंकि फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। और ऐसे में काफ़ी उम्मीदें भी जताई जा रही है, चूँकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो ऐसे में यहाँ पर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। इसे लेकर रिजर्व पुलिस बल के जवान के साथ साथ राजस्थान पुलिस और एसटीएफ के जवानों तक को संवेदनशील जगहों पर तैनात किया जा रहा है। खास तौर पर बस स्टैंड, भीड़भाड़ वाली जगह, रेलवे स्टेशन की बात की जाए, मंदिर और जो दूसरे धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाए रखने के निर्देश अधिकारियों को जारी किए गए। इसके अलावा जो विधानसभा है, सचिवालय है, इस राजनीतिक दलों के जो दफ्तर हैं उसके बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी बढ़ा दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अच्छी बात इसमें एक है कि राजनीतिक दलों ने भी अपने कार्यकर्ताओं को यह हिदायत दी है कि इस मंदिर से जुड़े आने वाले फैसले को लेकर वे किसी तरह की कोई बयानबाजी फिलहाल न करें, न तो नेता न कार्यकर्ता, सभी को यह सख्त हिदायत दी गई है। तो ऐसे में फिलहाल सभी लोग इस मुद्दे पर कुछ भी तरह बोलने से बच रहे हैं और यह अच्छी बात है कि कम से कम इसी के चलते किसी तरह की कोई भी बात उल्टी सीधी नहीं सामने आ रही है। लोग संयम बनाए हुए हैं और कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया पर खास तौर पर निगाह रखी जाए। ऐसे कई सारे अकाउंट की पहचान की जा रही है जहां पर भड़काऊ भाषण या जो लाइंस होती हैं इस तरह की डाली जाती है, तो ऐसे पोस्ट को बैन करने के लिए भी खास तौर पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि अब तक करीब 25 ऐसे अकाउंट की पहचान की गई है और उनमें उन्हें पूरी तरह से सरकार की ओर से ही ब्लॉक कर दिया गया है। तो कोशिश पूरी की जा रही है कि इस फैसले की आड़ में किसी तरह से न, और जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है पूरी तरह माकूल चाक चौबंद है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि वे इस पूरे मसले को लेकर पूरी सतर्कता बरतें, सावधानी बरतें, कम्युनल हारमोनी का परिचय दें, और जहां तक सरकार और प्रशासन की बात है वह सुरक्षा व्यवस्था में पूरी तरह मुस्तैद है। इस तरह से पूरी जांच भी की जा रही है बैरिकेड्स लगाकर। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।